आजकल क्या है ना, बच्चे जानते हैं कि किसी चीज का एडवांटेज कैसे लिया जाता है ना। किसी चीज को उनको अप्लाई करना तो उसका एडवांटेज सबसे पहले देखते हैं बच्चे की क्या है। अब सारे बच्चे मास्क लगा के बैठेंगे तो उसमें पता नहीं चलेगा बातें कौन कर रहा है। तो वो हर चीज में एडवांटेज ढूंढते हैं कि हमें किस चीज में कहां कैसा एडवांटेज मिल सकता है। चलिए ये हो गया। अब एक बात आप मेरी साफ साफ समझ लीजिए, यहां मैं आपको वर्टिब्रेट्स का एग्जांपल देने जा रही हूं, बट दैट टॉपिक डजंट कंसर्न विद दिस टॉपिक। वर्टिब्रेट का एग्जांपल मैं इसलिए दे रही हूं कि क्योंकि वो बच्चों को सबसे अच्छा समझ आता है। आप हैं वर्टिब्रेट्स? आप बर्ड्स जैसे दिखते हैं क्या? नहीं। फ्रॉग्स जैसे दिखते हैं? बोले क्या मैडम, कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो भाई आज साहब, ये तो कोई भी बता देगा। ये तो गांव में जो लोग रहते हैं ना जिनको दिखता नहीं है वो भी बता देंगे, है ना। फिशेस जैसे दिखते हैं आप बोलेंगे नहीं हमने तो बचपन से पढ़ा है मछली जल की रानी है, हम कहाँ रहते हैं जल में, है ना। लेकिन सब तो यहाँ क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो वर्टिब्रेट्स हैं, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, मैंने पहले आपको वार्निंग दे दी है, एग्जाम में मत लिख के आइएगा प्लांट किंगडम में। समझाने का, फाइलोजेनी समझाने का सबसे बेस्ट तरीका है वर्टिब्रेट्स का एग्जांपल समझाना। फिशेस हर किसी ने देख रखा है, एम्फीबियंस हर किसी ने देख रखा है, देखा है ना, हर किसी ने देख रखा है। रेप्टाइल्स हर किसी ने देख रखा है ना, बर्ड्स देख रखा है, मैमल्स, ये मतलब ऐसे टॉपिक्स हैं बच्चे जब छोटे होते हैं कहा जाता है उसको प्राइमरी में, जब प्राइमरी क्लासेस में बच्चे होते हैं उसको बोला जाता है फाइव बर्ड्स का नाम बताओ, बोला जाता है ना, फाइव फिशेस का नाम बताओ, तो ये सब कॉमन से टॉपिक है, ठीक है। तो जब आप वर्टिब्रेट्स को फॉर एग्जांपल में लिख देती हूँ यहाँ पे, प्लांट किंगडम से रिलेटेड नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जब आप देखना स्टार्ट करते हैं तो जो वर्टिब्रेट्स हैं वन फर्स्ट इज फिशेस, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, फिफ्थ वन इज आप लोग क्या हैं? मैमल्स हैं। आप लोग क्या हैं? मैमल्स। कोई डाउट तो नहीं किसी को? No. किसी और को तो नहीं बिलोंग करते हैं, क्लियर है ना? Yes. क्या है आप लोग? मैमल्स हैं, ठीक है। कोई किसी के जैसा किसी एंगल से नहीं दिखता, लेकिन फिशेस हो या फिर एम्फीबियंस हो, रेप्टाइल्स हो, बर्ड्स हो, सारे रिश्तेदार हैं आपके। क्या मतलब हुआ? सब कॉमन एंसेस्टर को बिलोंग करते हैं। साइंटिफिकली आप सब क्या हैं? ऑल आर वर्टिब्रेट्स। अब कोई फिशेस है तो वो मैमल्स को बोलेगा भाई तुम कौन सा एडवांस हो गया, आई एम ऑल्सो वर्टिब्रेट, ये भी वर्टिब्रेट है। तो सब के सब क्या है? इसमें वर्टिब्रेट्स है। तो ये कैसे आया? जब हमने इनके एंसेस्ट्रल हिस्ट्री की पढ़ाई करी, या सुनो, अगर हम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पे चलते तो ऐसा कभी नहीं होता। होता क्या? सवाल ही नहीं उठता है। तो किसी के दिमाग का कोना इस लेवल तक सोचने पे जा ही नहीं सकता, सिर्फ देखने के बेसिस पे कि ये सब के सब वर्टिब्रेट्स हैं। ये तब पॉसिबल हुआ जब इनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देखा गया। किसको देखा गया? जब इनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देखा गया तो पता चला कि ये सब के सब वर्टिब्रेट्स हैं। ठीक उसी तरीके से अभी जो मैं आपको प्लांट्स की रिगार्डिंग पढ़ा रही हूँ, तो किंगडम प्लांटी में जब स्टडी ऑफ एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को देखा गया और उसको एनालाइज करते हुए कोरिलेट किया गया, तब जो क्लासिफिकेशन सिस्टम बना उसको रियल माना जाता है। मतलब अगर सिर्फ मॉर्फोलॉजी देख के करें
तो उसको हम लोग आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन ओनली एक्सटर्नल फीचर्स और मॉर्फोलॉजी। ठीक है, ये हो गया, ये पेज नोट कर लिया सबने, लिख लीजिए। इसको फटाफट कीजिए, आपका ये ठीक है ना? इसमें एक स्टूडेंट यहाँ बैठा था जिसको मैंने बोला कि क्लास वर्क होमवर्क को कंप्लीट करके लाना, उसने बोला कि आएंगे ही नहीं, सच में नहीं आया। चलिए आपकी कॉपी आपकी यहाँ रख दीजिए, आगे चले हम लोग, आगे चले। आर्टिफिशियल सिस्टम, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आर्टिफिशियल artificial system of classification, कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो रफ नोटबुक में काम कर रहा हो ना, धीरे 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 अपने में इम्प्रूवमेंट लाइए, मेरी क्लास में नहीं बैठेंगे। बायो की नोटबुक लाइए, उस पर काम कीजिए, अभी लिखना नहीं है क्लास में, आपके पास इतना टाइम नहीं, अकेले बायोलॉजी थोड़ी पढ़नी है आपको, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके पास। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके पास मैथ्स के साथ बायो भी है,
या बायो के साथ मैथ्स भी जो भी समझ yes, है ना। तो इतना छोटे बच्चे तो है नहीं कि यहाँ पे रफ कर रहा है फिर घर जाके फेयर करेंगे, इतना टाइम तो है नहीं आपके पास। क्लास में ही काम कीजिए और काफी टाइम देती हूँ मैं लिखने के लिए, आप खुद भी बोलते हैं नहीं होता आप खुद नहीं आगे बढ़ने देते, कहते मैडम रुक जाइए लिखने दीजिए, बोलते हैं ना। तो ऐसा तो है नहीं मैंने बोला नहीं लिखो नहीं बस हम आगे बढ़ते हैं, ऐसा तो मैंने बोला ही नहीं कभी। तो क्लास वर्क की कॉपी यहाँ पे रखिए, क्लास वर्क की कॉपी में ही काम करेंगे, रफ नोटबुक नहीं चलेगी मेरी क्लास में। बात समझ आ रही है? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या दिक्कत है? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन ओनली एक्सटर्नल फीचर्स, ओनली एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ प्लांट्स और मॉर्फोलॉजी, और मॉर्फोलॉजी उसी को बोलते हैं, और मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स। इसके बाद क्या हुआ, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी based on evolutionary relationships between organisms। ये evolutionary relationship पे based है। एक और नेक्स्ट कॉपी भी पास कर दीजिए मुझे इसके साथ, बॉयज में जितने भी साइंटिफिक नेम है इसमें उसको अंडरलाइन करेंगे, ठीक है? एग्जाम में जब सब्जेक्टिव एग्जाम में लिखेंगे तो मार्क्स कट होंगे इसके लिए। साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन सेपरेटली अकॉर्डिंग टू बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ये कब तक कंप्लीट करके चेक कराएंगे? परसों हो जाएगा? परसों तक कीजिए, हाफ तो रही आपका, इसके आगे थोड़ा सा ही बचा हुआ है। परसों नहीं लाए तो फिर मैं यहाँ पे इनकम्प्लीट वर्क लिख दूंगी, अभी नहीं लिखा है कि परसों आप चेक करा लीजिए। नीट वर्क किया है, राइटिंग भी अच्छी है, वर्क लिखा ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट पास कीजिए। नेक्स्ट आगे मूव करूं, यहाँ तक हो गया सबका? पूछा जाए कि आर्टिफिशियल और फाइलोजेनेटिक दोनों में से रियल कौन सा है, तो रियल किसको मानते हैं हम लोग? फाइलोजेनेटिक को। किसको मानते हैं? फाइलोजेनेटिक को हम लोग रियल मानते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब एक और टर्म है, हेलोफाइट स्टार्ट करने के पहले दो तीन छोटे छोटे टर्म्स लिखेंगे आपको। उसके बाद लिखा है साइटो, हाँ साइटोटैक्सोनॉमी, उसके पहले टैक्सोनॉमी लिख दूँ मैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन, पहला टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, एंड सिस्टमैटिक्स, टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स।
देखिए अभी अभी मैंने आपको क्लासिफिकेशन सिखाया कि हम क्लासिफिकेशन करते हैं, तो स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सोनॉमी। जब हम क्लासिफिकेशन की पढ़ाई करते हैं दैट इज टैक्सोनॉमी, लेकिन स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज नोन एज, जब उसमें आप फाइलोजेनी जोड़िएगा ऐड कीजिएगा तब वो सिस्टमेटिक्स बन जाएगा। फर्क समझ आया दोनों में? ठीक है, चलिए फटाफट लिखिए इसको। टैक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन व्हाइल सिस्टमेटिक्स इज द, यहां तक तो होगा ही होगा, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर इवोल्यूशनरी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इवोल्यूशनरी रिलेशन। मतलब और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फाइलोजेनी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग इसके लिए, फाइलोजेनी लिख सकते हैं, फाइलोजेनी लिख सकते हैं। और अगर हम प्लेन टैक्सोनॉमी देखना स्टार्ट करते हैं तो सम टाइम्स टैक्सोनॉमी मे बी concerned with morphology, morphology मतलब external structure, morphology मतलब external features, external